स्वागत है आपका मेरे चैनल पेट गुरु बिहार में। आज का जो वीडियो है वो है भाई कबूतर को कौन सा दाना दें, उसके टॉपिक पे भाई। तो आइए जानते हैं हम कबूतर को क्या क्या दे सकते हैं मिक्स दाने में भाई, और इससे क्या क्या फ़ायदा होता है भाई। ठीक है, अगर भाई आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के बीच लाता रहूँ। ठीक है भाई लोग, तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो कौन कौन सा दाना है। ठीक है, और मैं हर दाने का फ़ोटो आपको यहाँ ऊपर में शो करूँगा, यहाँ ऊपर से फ़ोटो शो करूँगा मैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं भाई। तो आप 5 किलो गेहूँ ले लीजिए, ठीक है, उसके साथ 1 किलो बाजरा, और 1 किलो आप चने ले सकते हैं, काले चने, और ये फोटो जो छोड़ा है भाई, दाल ले सकते हैं चने की। और भाई इसको मिला के आप मिक्स दाना बना सकते हैं, और इसे कबूतर बहुत मौज से खाते हैं। ठीक है भाई, तो भाई आप लोगों ने देखा ये जितना भी दाना है भाई, वो मिक्स दाना आप करके कबूतरों को दे सकते हैं। ठीक है, इससे कबूतर एकदम तंदुरुस्त रहते हैं भाई। ठीक है, आप कबूतर को चाहे तो रोटी भी खिला सकते हैं भाई, आप दाल खिला सकते हैं कबूतरों को, सब्जी बासी सब्जी खिला सकते हैं। ठीक है, कबूतर सब्जी बासी सब्जी भी अच्छे से खाते हैं भाई, इससे उनका हाजमा जो रहता है वो एकदम, आप कैल्शियम के लिए उसको या विटामिन के लिए आप उसको पालक भी खिला सकते हैं भाई। ठीक है, इससे आपके कबूतर एकदम फुर्तीले और तंदुरुस्त रहेंगे भाई। तो बताइएगा कमेंट करके कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है भाई, ताकि मैं फिर आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा वीडियो लेके आता रहूं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं ये मैं इन लोगों को मिक्स दाना खिलाता हूं। ठीक है, जैसे ये देखिए मैं इन लोगों को मिक्स दाना खिलाता हूं भाई, दाल है इसमें, बाजरा है, गेहूं है, मैं सब खिलाता हूं कबूतरों को। ठीक है भाई, इसे मेरे कबूतर एकदम फिट रहते हैं। ठीक है, और आप भी करके देखिए भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।